भागवत जी कहते हैं बहुत गहरी बात, वो ये कहते हैं जब आप भोजन करें तो भोजन का समय थोड़ा निश्चित करें। हमारा ये जो शरीर है ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है। तो भागवत जी कहते हैं कि जब जठर में अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा और रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र मेद और आपकी अस्थियां इनका विकास होगा। तो कभी भी कुछ ना खाएं, ये पद्धति भारत की नहीं है, ये यूरोप की है। यूरोप में डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो, कभी भी खाते रहो। हमारे यहां ये नहीं है। तो आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूं। भागवत जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें और समय निर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अग्नि की प्रबलता हो, जठर अग्नि की प्रबलता हो। भागवत जी ने इस पर बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि 1.5-2 साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो वो कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से लगभग 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो भागवत जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें। वो तो एक जगह यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें, माने ब्रेकफास्ट गायब। वो ये कहते हैं कि सुबह 9:30 बजे तक अगर आपने भरपेट भोजन किया है तो इसमें से जो कुछ भी बनेगा वो एक एक बूंद, एक एक अन्न का टुकड़ा, एक एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा। में कि खाना महत्व का नहीं है, खाने को पचाना महत्व का है। क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, उसी रस में से मांस मज्जा रक्त मल मूत्र वीर मेद ये सब बनेगा, अस्थियां बनेंगी और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगी। पहला सूत्र भोजनांते विषम बारी, इसका सीधा सा अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। सूत्र ये है भोजन अंते माने भोजन के अंत में, भोजनांते विषम बारी, विष समझते हैं आप जहर, जहर जैसा क्या है पानी। सूत्र उतना ही है, समझने के लिए मैं आपको बहुत उदाहरण दूंगा ताकि आप जल्दी पता कर पाए। भागवत जी ने एक सूत्र में यह कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्य स्थान पेट है, इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर नाभि, लेफ्ट साइड में नाभि से थोड़ा ऊपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इस स्थान को कहते हैं जठर, हिंदी में कहते हैं आमाशय, अंग्रेजी में चाहे तो एपिगैस्ट्रिकम। भागवत जी कहते हैं कि इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, जठर अग्नि, जठर अग्नि, और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है। ये है महत्व की बात। आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया, लार बनना शुरू हुआ, तुरंत अग्नि प्रदीप्त हो जाती पहले ही टुकड़े में। तो ये अग्नि प्रदीप्त हुई, अब आप जो भोजन कर रहे हैं ये इस अग्नि के प्रभाव में पचेगा। तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदलेगा, पहले पेस्ट बनेगा, जैसे टूथपेस्ट की कंडीशन होती है वैसा बनेगा, लुगदी जैसा, फिर उसमें से रस बनेगा, फिर रस में से सब कुछ बनेगा। अब ये अग्नि भोजन को पचा रही है और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया गट 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 गट, तो क्या हुआ, अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि का पानी से मेल नहीं है, दुश्मनी है। तो आपके पेट में खाना खाते ही अग्नि जल रही है, अब आपने पीछे से गिलास दो गिलास पानी पी लिया, कोई कोई लोग तो लोटा भर के पी लेते हैं, कई कई लोग तो भोजन से ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो फिर भागवत जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले गैस बनेगी, वायु बनेगी, और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी। और ये वायु की तीव्रता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी, छाती में जलन होगी, पेट में जलन होगी। तो ये वायु पूरे शरीर में घूमेगी तो सिर घूमेगा, आपको चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, पीठ में भी दर्द हो सकता है, हृदय स्थान पर भयंकर दर्द हो सकता है, कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो वायु का दर्द है, हार्ट अटैक नहीं। और ये जो वायु बनी भोजन के सड़ने से, इसी वायु में से भागवत जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे। 103 सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी,
हाइपर एसिडिटी, ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अल्सर, पेप्टिक अल्सर, बवासीर, मूड़व्याध, भगंदर और अंत का एक रोग है कैंसर, कर्क रोग। माने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं।